दोनों का अलग कहानी है, पहले आतिया बताइए। सूरज का बहुत ही लंबा फिल्मी और एक्साइटिंग है, मेरा थोड़ा बोरिंग है। लेकिन मैं जिम जाती थी बांद्रा में, तो सलमान सर की बहन मुझे एक्चुअली वहाँ मिली थी, और फिर उन्होंने सलमान सर के को मेरे बारे में बताया था। एनी वेज दे वर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस ऑपोजिट सूरज, तो सलमान सर ने पापा से बात किया और नेक्स्ट थिंग आई नो आई एम ऑन द सेट्स ऑफ हीरो। और मैं इतना ही शॉर्ट था। बट आप दोनों कब मिले, मतलब फिल्म के दौरान ही मिले या उसके पहले? मेरा जवाब दूँ उसका? मैं कबीर खान सर के साथ काम कर रहा था, एक था टाइगर फिल्म में जो, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सलमान सर से, और ऑलमोस्ट फिल्म ख़त्म होने आई थी, शूट हो गया था ऑलमोस्ट 6-7 महीने उन्होंने शूट किया था। टर्की में थे, मेरा बर्थडे का रात था, और सलमान सर रात को 3 बजे मेरे रूम में आए और मुझे सीट के उनके रूम में लेके गए और मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया जो था हीरो। तो मेरा बर्थडे गिफ्ट रही है, 21st बर्थडे गिफ्ट था मेरा। जब ये आपको फिल्म ऑफर हुई तो कोई प्रेशर था, क्योंकि आप सेंटर लुक, हाँ दोनों भी आप फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो क्या कुछ प्रेशर था जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है और सलमान खान की फिल्म है, तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस भी इस तरह का देना होगा, तो क्या प्रेशर था आप दोनों पर इस बात को लेकर? प्रेशर ऐसे महसूस नहीं आया, क्योंकि सलमान सर ने कभी प्रेशर डाला ही नहीं हम लोग पे, कभी हम लोग को बोला नहीं कि आपको ऐसा काम करना है वैसा काम करना है, वो लड़के को देखो वो ऐसा कर रहा है आप ऐसा करो, कभी ऐसा बोला नहीं हम लोग को। पर ऑब्वियसली एक प्रेशर है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म मिली है हम लोग को और सलमान सर सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो सलमान सर को हम लोग लेट डाउन नहीं कर सकते, तो वो एक प्रेशर है। You just said everything I needed to say and stole mine. So how's it feels to be a hero of every girl now and then? सब लोग चाहते हैं कि सूरज की फिल्म देखें, हीरो को देखें, तो how's it feels for the first film? आप एकदम एक हीरो, एक टैग मिल गया है आपको? मुझे मालूम नहीं हीरो टैग मिला है कि नहीं मिला है, अभी वो 11 सितंबर के बाद पता चलेगा। एंड आई डोंट नो अबाउट एवरी गर्ल, ये फिल्म है तो मैंने सिर्फ अतिया के साथ काम किया, और मालूम नहीं अभी 11 सितंबर को मालूम पड़ेगा जो रिएक्शंस है, पर फिलहाल बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तो देखते हैं जी। फिल्म की सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप दोनों के लिए, और क्योंकि इससे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं सलमान खान, आदित्य सर, सुनील सर, यू नो उनके फैंस, आपके सब फैंस, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ को लेकर, यार फिल्म अच्छी होनी चाहिए, यू नो पहली फिल्म है, कुछ इस तरह का है? ऑफकोर्स हर एक्टर चाहता है कि उसका फिल्म अच्छा हो और हिट हो, तो हम लोग भी ऐसे इतना ही चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अब है एक्सेप्टेंस, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जी। क्या कुछ दिमाग में था या क्या कुछ थॉट था जब आप पता चला कि दोनों को एक साथ काम करना है, या पहले कभी मिले थे कहीं कुछ? सर एक दूसरे को देखा था हमने दोस्त के घर पर, पर कभी एक दूसरे को हाई या बाई या कुछ ऐसा कभी बोला नहीं था। एक दिन सुबह उठा, मैं पेपर खुला तो फ्रंट पेज पे देखा कि आतिया शेट्टी इन हीरो, तो मैंने आतिया को फिर मैसेज किया कि हाय दिस इज़ योर हीरो, वी आर वर्किंग टुगेदर, सो आई थिंक वी शुड मीट एंड टॉक अबाउट दिस, तो हम लोग ने फिर बोलो या तो हम डांस क्लास में मिले एक्चुअली, और आई थिंक एक लव स्टोरी के लिए केमिस्ट्री और वो फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर पर्दे पर दिखाई देता है, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हाँ बहुत अच्छे सब। फिल्म के अगर प्रमोशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हेक्टिक प्रमोशन होते जा रहे, तो आप ये प्रमोशन को कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम मिले थे मिठी भाई कॉलेज में, तो प्रमोशन को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप दोनों? एंजॉय कर रहे हैं बहुत, एंजॉय तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से फिल्म को खासकर? हमें एक्चुअली पता नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज़ वी वेंट टू द, आज पता चला क्योंकि कॉलेज में बहुत ही अच्छा माहौल था, सब लोग इतने एक्साइटेड थे, खुश थे, तो और हमारा गाना लिस्ट पे नंबर 1 चल रहा है बॉलीवुड में, तो मैं हूँ हीरो तेरा जो गाना है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारा गाना नंबर 1 पर हमको देखने मिलता है, और जब सुबह सुबह हम लोग काम पर जा रहे होते हैं और हमारा गाना रेडियो पर बज रहा होता है, और जब सलमान सर गा रहे हैं तो और अच्छा लगता है, तो और जब कॉलेज जाते हैं और लोग सब स्टूडेंट्स गा रहे हैं हमारा गाना, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ट्रेलर लॉन्च के बाद में बहुत सारे इवेंट्स में हमने आपको देखा, और लोग जो है ऑडियंस वाले के दौरान माना जाए तो लोग आपको कंपेयर करने लगे हैं सोनम कपूर से, यू हैव गुड हाइट, यू हैव गुड स्माइल, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, मतलब कैसे देखते हैं? आई हैव सेड दिस टाइम एंड अगेन,
यू कांट कम्पीट विद सोनम कपूर. वो एक डिफरेंट लीग में है. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन आवर जनरेशन. तो हाँ, मैं बहुत फ्लैटर्ड होती हूँ जब लोग बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक सोनम कपूर है जी. सूरज, देख रहे हैं कि पहली फिल्म है और कहीं ना कहीं कंपेयर जो टाइगर श्रॉफ से या वरुण धवन से और आलिया और श्रद्धा को लेके जो कंपेयर हो, सही है क्या आपकी? सर, एकदम सही है सर, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, तो कंपैरिजन होएगा ही जी. तो चैलेंज है ये काफ़ी बहुत बड़ा? चैलेंज तो नहीं सर, सबके लिए यहाँ पे काम है. जैसे हम लोग नए एक्टर हैं, वैसे ही जितने हम लोग नए एक्टर हैं उससे ज़्यादा नए डायरेक्टर हैं अभी, तो सबके लिए काम है. सब ने अपनी अपनी मेहनत की है और सबको आगे बढ़ना है. हम सब भाई हैं तो आगे सब एक साथ चलेंगे आगे, तो अच्छा होगा. सूरज, अगर डांस की बात करें तो डांस करना आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि हमने देखा कि आपने गाने में काफ़ी अच्छा डांस कर लिया है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो मेरा बेस था वो था मार्शल आर्ट्स, तो मैंने कभी डांस टच नहीं किया था. अतिया बहुत अच्छी डांसर थी जब मैं अतिया को मिला, पर अतिया के साथ ट्रेनिंग किया, मैं अहमद खान सर के साथ ट्रेनिंग किया और फिर ये और अच्छा डांसर बन गया. फिर एक डांस के लेजेंड गाना है उसमें परफॉर्म करने का चांस मिला, तो तब से लेके आज तक डांस प्रैक्टिस चालू और करेंगे और अच्छा आगे. सूरज, हम आपको काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए, तो उससे कैसे ओवरकम किया? इस फिल्म जब ये ऑफर हुई और फिल्म में काम भी करना था और वो प्रेशर भी था आप पर, तो उससे कैसे ओवरकम किया आपने? देखो, अगर मैं अभी उसके बारे में बात करूं तो फिर लोगों को लगेगा कि मेरे को उससे पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि मैं बीच में बात करने की कोशिश किया था इस बारे में. फिर लोगों को लगा कि सूरज को ये टॉपिक से पब्लिसिटी चाहिए, तो मैं इसके बारे में जितना कम बोलूँगा ठीक है. अच्छा सूरज, में ऐसा क्या है, मतलब कोई तीन अगर आप चीज़ें नोट करें तो हु मेक्स हिम अ हीरो? वन, कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टू बी अ हीरो यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बहुत फनी है एक्चुअली. और क्या, व्हाट एल्स इज गुड अबाउट यू? अच्छा एक्टर है, इमोशनल सीन्स में बहुत ही अच्छा करता है. सोचना पड़ता है काफ़ी. अच्छा, एक्सेप्टेंस. हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम अगर लोग देखें तो अप्रिशिएट करें उसको और एक्सेप्ट करें हमको एज न्यू कमर्स. ऑब्वियसली एवरी न्यू कमर वांट्स टू बी एक्सेप्टेड. या एक्सपेक्टेशंस ना हो तो अच्छा है आई फील, क्योंकि यू शुडंट हैव एक्सपेक्टेशंस. लेकिन हमने मेहनत की, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, तो आई थिंक वी वर्कड हार्ड एंड होपफुली लाइक सूरज सेड, हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा जी. अब किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप आगे चल के, कुछ दिमाग में? सर, ड्रीम डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक को अगर आपको संजय लीला भंसाली, क्योंकि मुझे उनका दुनिया जैसे वो एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं बहुत पसंद है, और उनका जस्ट स्टाइल ऑफ मेकिंग. सर, मेरे दो डायरेक्टर, एक राजू रानी सर और एक कबीर खान सर, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन इंशाल्लाह इनके साथ काम करूँ. 10 दिन बचे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सो नर्वस? फिलहाल नहीं, मैं तो बहुत नर्वस हूँ. अतिया है तो ये नर्वसनेस कैसे मिटती है जब शाम को घर पे जाते हैं, डैड से डैडी फैमिली से मिलते हैं, तो क्या कुछ एडवाइस देते हैं? नहीं, उन लोग हमारे से ज़्यादा नर्वस है सर. हाँ, तो हम लोग एडवाइस देते हैं और काम करते. आदित्य, सॉरी सूरज, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आदित्य सर, हम लोग सभी जानते हैं काफ़ी गुस्सेल मिजाज के. हाँ सर. तो कभी आपका कुछ सामना हुआ उनसे इस तरह से, मतलब आपके ऊपर भड़के हो या? कौन सा बाप अपने बेटे को डांटता नहीं है, पर कुछ गलत करूँ तो ही डांटते, और जब भी जितने बार मैंने कुछ गलत किया तब डांटे. खाली पीली क्यों आदमी चिल्लाएगा. और आप सही थे तो सपोर्ट भी किया था. क्या बोल रहे हो, आपको सपोर्ट भी करते हैं? ऑफ कोर्स, बेटा है. मेरे फादर है, मेरे को नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसको करेंगे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.